सुप्रीम कोर्ट मखसूस सीटों हुकूमत के दियण जो फैसलो कलदम कराड़े छो औरतुन अकलीतुन जो मखसूस सीटों पीटीआई के दियण जो हुकुम फैसलो 5-8 के तनासुब से आयो। पेशावर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन जो फैसलो गैर आइनी करार। जस्टिस मंसूर अली शाह बुधा तो अदालती फैसले में चयो है तो इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले की गलत तशरी कई है। आइन मुताबिक चूंड निशान का महरूम रखी कें भी पार्टी के चूंड अमल में कढ़ी नो सकें। पीटीआई एक सियासी जमायत है। पीटीआई औरतुन अकलीती सीटों की हकदार है। पीटीआई 15 दिन में मखसूस सीटों लाए नाला जमा कराए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा समेत 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की मुखालफत कई। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा जस्टिस जमाल मुंदोखल इख्तिलाफी नोट में चयो तो सुनी इत्याद काउंसिल का एक सीट भी न खटे सकी। उन्होंने मखसूस सीटों की लिस्ट भी जमा न कराई। सुप्रीम कोर्ट आइन में हथरादू लफ्जन जो इजाफो नहीं कर सके। जस्टिस यया आफरीदी इख्तिलाफी नोट में चाहिए तो उम्मीदवार जिन सर्टिफिकेट दिना उन्होंने पीटीआई जा उम्मीदवार करार दिना वन पीटीआई के उन ही तनासुब से मखसूस सीटों दिनी वन उम्मीदवार जिन्हें बी पार्टी ज्वाइन क्यों उन्होंने आवाम की ख्वाहिशन की भंजकड़ी कई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पांच इख्तिलाफी नोट में चयो तो सुनी इत्याद काउंसिल की अपील रद्द कजे थी। जस्टिस नईम अफगान चयो तो हू भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तिलाफी नोट से इतफाक करे थो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत के को खतरो ना है। असा वट अन्या भी 209 मेंबरन की अक्सरियत है। हुकूमत फैसले की नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल कराइंदी या न फिलहाल नथो बुधाई सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो जायजो वरतो वो कानून वाले वजीर आजम नजीर तारड़ जो मखसूस सीटों बाबत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रद्दअमल संदस चवण है तो हि सीटों सुनी इतिहाद काउंसिल के मिलन घुर्जन। हाँ केस में तरीके इंसाफ धुरी न हुई। मखसूस सीटों बाबत कानून मौजूद है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर सुनी इतिहाद काउंसिल की मखसूस सीटों बाबत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तारीखी करार दई छो। संदस चवण है त करोड़ी अवाम ए जमहूरी कुवतन लाए अज खुशी जो दिहाड़ो है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो तारीख में याद रखियो वेंदो। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस पीटीआई के हक में फैसलो दिनो। आइन में पांजी मर्जी की तरमीम जो रस्तो रोको वो है। शिबली फराज चयो त फैसले से इंसाफ जो अलम बुलंद थो। सलमान अकरम राजा चयो त अजो के फैसले से आइन जो होलियो बिगाड़जंदड़न के इरादे से अमल करण जो रस्तो रोको वो। टंगवाणी वेझो नंदवाणी जाफरी बिरादरी के बिंदुरे में झेड़ो फायरिंग में 3 जणा कतल 5 जख्मी। मारजी वेरन में हाफिज अनवर जाफरी खनरो उर्फ महराब नंदवाणी और ताज मोहम्मद जाफरी शामिल। मानू खौफ जहां घरन ताई महदूद। धुरन में छिकताण जारी। कंधकोट वेझो गढ़ी तेगो वटे तेगानी बिरादरी के मानून बेगारी के नाल के कट हणी छो। हजारे क्यूसिक पानी जया थे लगो। इलाके में हथियारबंदन की मौजूदगी सबब आपाशी खाते जा मुलाजिम अन्या ताई घारो बंद करण लाए न पहुंची सकिया। कंधकोट ए शिकारपुर जिलन जा पुलिस अचाला पहुंतल अहलकार पंजी मदद पान तहत कट के बधन लगा। आपाशी अमलो मशीनरी न हुजण करे कट अन्या ताई बधजी न सकियो। तेगानी बिरादरी के हथियारबंदन बेगारी केनाल के कट होजन जो एतराफ कर वरतो। पुलिस ए आपाशी खाते के जरिए बुधाया तो इलाके में तेगानी बजरानी बिरादरी की धुरन में तकरार हलंदड़ हो जिनो निबेरो भी थी चुको है। पर बेगारी केनाल के हथ से घारो हणंदड़ हथियारबंदन जो चवण है तो उन निबेरे से अमल दरामद न थो है। उन बेगारी केनाल के हथ से घारो घयो है। पुलिस बेगारी केनाल वट पहुंतल है। आपाशी वजीर जाम खान सोरे जो चवण है तो असा सूरत याल का वाकुफ आयो पर इलाके में छिकताण फायरिंग हलंदड़ है। अमन अमान के मसले के करे आपाशी अहलकार मशीनों पहुंची न थी सकन। यो घारो काफी वडो है पर जो मशीनरी से ही बदजी सो
पर अमन अमान की सूरतयाल सबब मशीनरी पहुंचाने में मसलो है। इन वक्त पुलिस के मुतहरक किया गया है, घारो बधन की कोशिशों कर रहा हूँ।